टीवी के ऊपर मुझे याद है एक प्रोग्राम था, और अभी गूगल कर लेंगे तो उससे मिल जाएगा, आई बिलीव जियो टीवी पे ही था वो मॉर्निंग शो। उसमें मैंने जो ऑडियंस थी 70-80 के करीब ऑडियंस थी, उसमें मैंने दो दो लोगों को साथ साथ बिठाया, ठीक है, मैंने दो दो लोगों को साथ साथ बिठाया, उन लोगों को जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, अजनबी थी। उसके बाद एक 8 मिनट की एक्सरसाइजेज मैंने उनको कराई, बेसिकली जो जहनी मश्क होती हैं वो मैंने कराई, और उन्होंने किसी का दुपट्टा पकड़ा, किसी का हाथ पकड़ा, या किसी की चीज़ पकड़ी, यानी वो अब एक इन टच हो गए कि यहाँ से जो मालूमात है मैं इसके ज़रिए एक्सेस करता हूँ। और उन्होंने एक दूसरे के बारे में बताना शुरू किया कि आपका घर इस तरह का है, आपके इतने कमरे हैं, इसमें इतने कलर का है, इसमें पर्दे हैं, इसके अंदर गमला रखा हुआ है, या इसके अंदर पेंटिंग लगी हुई है, इन्फॉर्मेशन बताने शुरू कर दी। और एवरेज अगर निकालेंगे तो 60-70% लोगों ने वो सही बताया, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 80-90% 95% सही इन्फॉर्मेशन बता रहे। तो अगर एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है और वो उसके घर के बारे में बता रहा है, जब जिसको वो जानता भी नहीं और जिसके घर गया भी नहीं है, तो यानी वो उसके घर को व्यू कर रहा है रिमोटली, यही हुआ ना इसका मतलब, सही है ना। मेरे जहन की परवाज़ हो सकती है, मेरे जिस्म की भी परवाज़ हो सकती है, और मेरी रूह की भी परवाज़ हो सकती है। आप अपने पास से यहाँ तशरीफ़ लाए तो ये जिस्म अपने साथ लेके आए हैं ना। लेकिन अगर मैं भी आपसे कहूँ कि यार अब मुझे स्कूल की बताओ कि कैंटीन के अंदर जो पेटिस था वो कैंटीन कैसा था, और तो आप एक लम्हे में स्कूल पहुँच जाएंगे और पूरा स्कूल खींच के ले आएंगे जबकि मैं पेटिस पूछ रहा हूँ। तेरी जहन परवास कर सकता है, और जहन परवास करता है, और जहन मालूमात भी ला सकता है। वो मालूमात अगर वो लेके आएगा तो वो रिमोट व्यूइंग होगी। इसीलिए इसको आप चाहे आप इंट्यूटिव एक्सरसाइजेस कह लें, आप इसको गेस वर्क जो है वो कह लें, आप कितने बचपन के अंदर खेला होगा, आप आई डोंट नो आजकल क्यों इस तरह के गेम नहीं से खेले जाते। तीन ग्लास औंधे रखे होते हैं, एक के नीचे बॉल है, आप यूँ यूँ करते हैं बताए किसमें, बाहर से किसी को बुलाया बोले तीन रखे हो बताओ किसमें, अच्छा वहीं बैठे बैठे बताओ इसमें से किसमें, गेस कर सकता है ना आदमी। वो गेस एक्सरसाइजेज अगर वो मशकें करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बढ़ जाती है, यानी अभी जो तुक्के में कभी एक दफ़ा लग जाता है वो दो दफ़ा सही बताने लग जाएगा, 10 में से 3 दफ़ा सही बताने लग जाएगा, एंड देयर आर सर्टेन जहाँ पे वो 6-7 दफ़ा सही बताने लग जाता है। एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, देखिए एब्सोल्यूट वो चीज़ होती है कि जब मैं रिपीट करूँ सेम जवाब आए, वो नहीं हो सकता ना। यानी मैं अपनी ज़हनी एक्सरसाइजेस से, मशकों से, किसी इलाके के बारे में, किसी लोकेशन के बारे में, या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में गैस करके बता सकता हूँ कि शायद ये वहाँ पे हो, चांसेस हैं कि ये वहाँ पे हो। इसको रिमोट व्यूइंग कहते हैं। और इस तरह की बहुत सारी इंट्यूटिव एक्सरसाइजेज, अल्ट्रा माइंड एक्सरसाइजेज, जहनी मशकों की एक्सरसाइजेज भरी पड़ी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये सलाहियतें बढ़ जाती है, इसको हम रिमोट व्यूइंग कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया ना आपको कि ये ऑथेंटिक सिर्फ जब हो सकती है जब ये रिपीट कर ले अपने आप को, यानी मैं बोलता हूँ एक खोजी भी बैठ आते थे हमेशा से, वो खोजी निशानियों पे चलते थे, और बादशाह के दरबार में कुछ ऐसे ही बैठे होते थे जो निशानी नहीं करते थे, वो अपने जहन को दौड़ाते थे और वो उसके बाद जो है वो कोई चीज़ निकाल के जो है वो बताते थे। वो अगर 100% सही हो तो फिर आप कहेंगे कि यार ये ऑथेंटिक है, लेकिन आप ये कहें कि हाँ यार एक ऐसी मशकें हैं जिससे इंसान का एक गैस वर्क हो सकता है, यार उसकी गैस जो है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छा वो उसकी बात पर कोई मशकों की ज़रूरत भी नहीं होती, कहते यार भाई तू मत बोली, तू तो वैसी काली जबान है जो बोलता हो जाती तो वो तो एक्सपर्ट है बिल्ट इन तू कल वहाँ मत जाइयो ना तेरा काम नहीं होगा, तू तो बोली ही नहीं यार तो आप इसको क्या कहेंगे जिसकी बात हमेशा सही होती है और आप उसको खुद चुप करा रहे हो कि खुदारा मत बोली हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, जबकि प्रोबेबिलिटी उसकी इतनी ज़्यादा है, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या उसी के कहने से हो जाएगा, अल्लाह तो माफ़ करे क्या खुदा तो नहीं है कि उसकी बात कही भी जो है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए ऑथेंटिक नहीं होगी। अच्छा ऑथेंटिक लेट सपोज आपके सामने आप मुझसे सवाल पूछे, मैं ये शोभदा, मैं इसको शोभदा क्या, तो पहले मैं ऐसे हरकतें बहुत करता था इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, हाथ से ग्लास को मूव करा दूँगा, ये फोकस ऑफ अटेंशन की इतनी मैंने एक्सरसाइज की कि ये मैं ग्लास मूव करा सकता हूँ, तो अब बड़ा इंस्पायर होंगे यार बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, वो हाथ लगाए बगैर इसको घुमा देंगे। बाद में ये समझ में आया कि मैंने घंटों जो ज़ाया किए ये ग्लास में उठा के वैसे ही आ रहे थे
इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत, ये क्या मैंने पागलपन में, अरे अल्लाह ने मेरा एक जहन दिया जिसकी फोकस ऑफ अटेंशन से मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, उसको मैं इस फजूल काम में मैंने लगाया कि मैं वैसे उठा के यहाँ रख दूँ ना, इसकी ज़रूरत क्या है मतलब हाथ में घूमने की, इसको वैसे यहाँ रख दो। सो दैट वॉज बेसिकली द रीज़न कि हम जब ये कहते हैं कि ये ऑथेंटिक है, क्या ये लग जाता है तुक्का? हाँ लग जाता है, किसी का ज़्यादा लगता है किसी का कम लगता है, बाय डिफ़ॉल्ट 10% पूरी दुनिया में हर किसी का लगता है, उस 10 को 70% तक पहुँचाना है वो आप मशक्के करें, अगर उसका इस्तेमाल है तो करें, इस्तेमाल नहीं है तो ना करें।